सो वेलकम बैक गाइस, करते हैं ब्लॉग्स का आपका स्वागत है। डेली डोज डेली ब्लॉगिंग, आज की ये ब्लॉगिंग है JPS जागरण पब्लिक स्कूल की, और आज है 15 अगस्त। तो गाइस आज का ये ब्लॉग ये इतना अलग होने वाला है, आई थिंक इससे पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा जागरण पब्लिक स्कूल का, बट आज हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम लेके चलते हैं आपको हम कि कैसा आज इंडिपेंडेंस डे का आज प्रोग्राम है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सजा हुआ। बट जो रात का व्यू है वो तो खैर रात ही को आएगा, बट जो अभी का व्यू है वो अभी हम कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग यहाँ का। तो गाइस ऐसे वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को ऐसे वॉच करिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो बोलें भारत माता की जय। तो गाइस वीडियो वॉच करें आप। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको लेके चलते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि अंदर हो रहा है प्रोग्राम और आपको यहाँ का दिखाएंगे प्रोग्राम की कैसा प्रोग्राम यहाँ का हो रहा है, और आज यहाँ का कौन चीफ गेस्ट है और कौन इस प्रोग्राम में आएगा आज का चीफ गेस्ट है। तो आइए गाइस हम आपको लेके चलते हैं स्कूल के अंदर। गाइस हम आ चुके हैं अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। Thank you.
हम यहाँ पे आए थे 11 सा ब्लॉग बनाने के लिए, तो हमने ब्लॉग को तो अच्छे से बना लिया यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा शुरुआत में। और कैसा लगा? बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे आके ब्लॉग बनाया है। और जागरण पब्लिक स्कूल में पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है, और जैसा कि आपने देखा कि कैसे बच्चे कितना बढ़िया परसेंट से यहाँ पे बच्चे पास हुए, वो भी इसमें दिखाया। उन लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह जो दिए वो भी इस वीडियोग्राफी में मैंने कैप्चर किए, और वो भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। और 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, हमारे देश हमारा आज़ाद हुए, और कह सकते हैं कि ये अमृत महोत्सव मनाया गया है। हालांकि इससे पहले इस तरीका से, यानी जो 15 अगस्त था, एक आज ऐसा लग रहा था लाइक जैसे कि जो माहौल है पूरे भारतवर्ष में, ऐसा माहौल है जैसे कि दीपावली हो, जैसे दीपावली में बहुत ढेर सारी खुशियाँ होती, वही खुशियों की फीलिंग्स ही आ रही थी जो अभी तक प्रेजेंट है, जो मैंने वीडियो बनाया लाइक। और जिस साइड आप देखेंगे उस तरफ चारों तरफ आपको फ्लैग ही फ्लैग, लाइक जो हमारा तिरंगा है, चारों तरफ आपको तिरंगा मिलेगा देखने को। तो बस कहने का मतलब है ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, 75 सालों के बाद में ये इस तरीका से जो एकदम पर्व की तरह मनाया गया, बट हमेशा ऐसे ही होना चाहिए हिसाब से। और जो लोगों की जो मानसिकता बदल रही है धीरे धीरे, वो भी बदलनी चाहिए। बस हालांकि उपदेश देने का इतना तो खैर मुझे आइडिया नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, पर जो मुझे कहीं ना कहीं जो मुझे उचित लग रहा है वही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाइस बता रहा हूँ कि जो फीलिंग्स है पहले से लोगों की काफ़ी चेंज हो चुकी है। लाइक फीलिंग्स क्या, जो मानसिकता है हमारे तिरंगे के लिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए, लोगों की काफ़ी मानसिकता बदल चुकी है पहले से। और ये आपको ये जो मैंने यहाँ का ये जो मैंने वीडियोग्राफी की, आपको कैसी लगी, और आप क्या सोचते हैं JPS के आप पढ़ने वाले हैं, यानी जागरण पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं कैसी पढ़ाई होती है वो ही जान सकते हैं, हम तो यहाँ पे पढ़े ही नहीं हैं भैया। लेकिन हाँ, अगर आपने ये वीडियो देखा है और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा, कि ऐसा ऐसा यहाँ पे एजुकेशन है। हालांकि जो मुझे पता है बट बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट कुल मिला के ऑल ओवर बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो वॉच करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। बाकी आपसे जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है गाइस, बाकी वीडियो वॉच करने के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में लिखें भारत माता की जय, भारत माता की जय।